हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उप्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, हमने पहले भी देखा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, किसी चीज को एक से ज्यादा फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और यह बिहेवियर डिपेंड करता है कि ऑपरेशन में किस तरह के डेटा पास किए जा रहे हैं। यहाँ मैंने बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर सिंचन का एग्जांपल लिया है, दैट सिंचन इफ ही इज इन अ स्कूल तो ही इज एक्टिंग लाइक अ स्टूडेंट, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ है तो वो फ्रेंड्स की तरह एक्ट कर रहा है, व्हेन ही इज एट होम ही इज बिहेविंग लाइक अ सन। तो एक ही पर्सन अलग अलग तरह से वर्क कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पर। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था, फंक्शन ओवरलोडिंग C++ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स था, जिसमें हम एक ही फंक्शन को सेम नेम से अलग अलग पैरामीटर्स, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग हो या टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स अलग हो, उसके थ्रू डिफाइन कर सकते थे। जैसे यहाँ सम फंक्शन बनाया था हमने, यहाँ दो इंटीजर पैरामीटर्स थे, यहाँ तीन इंटीजर पैरामीटर्स थे, यहाँ दो फ्लोट टाइप के पैरामीटर्स हैं, यहाँ डबल टाइप के पैरामीटर्स हैं। तो इस तरीके से फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती थी। और जब हम फंक्शन को कॉल करते थे तो कंपाइलर यह देखता था कि जो आर्गुमेंट कॉल करते समय हमने पास किया है वह इनमें से किस से मैच करता है, और उसी के अकॉर्डिंग इन फंक्शंस को कंपाइलर कॉल करता था। तो फंक्शन ओवरलोडिंग पर एक अलग से सेपरेट वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं। मेनली आज हम फोकस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग पर। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, किसी भी बेसिक ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं। अब ये ओवरलोड क्या है, नॉर्मली जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वे बेसिक डेटा टाइप पे काम करते हैं। जैसे हमारा प्लस ऑपरेटर है तो दो इंटीजर नंबर्स को ऐड कर सकता है, या दो फ्लोट या डबल टाइप के नंबर्स को ऐड कर सकता है, यानी जो बेसिक डेटा टाइप है उनमें एडिशन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वह हमारे बनाए हुए डेटा टाइप पे वर्क करे तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमें अलग से उसे फिर से रीडिफाइन करना होगा हमारे क्लास में। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमने एक क्लास बनाई है, उसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, अब हम चाहते हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को प्लस ऑपरेटर के थ्रू ऐड करना, तो डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए प्लस ऑपरेटर को ओवरराइड करना होगा उस क्लास में, तभी उनके उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को वह ऐड कर सकता है। या एक क्लास बनाए हमने स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग को कंकेटनेट करना है प्लस ऑपरेटर के थ्रू, तो हमें वहां उसे ओवरलोड करना होगा। इस फीचर को कहा जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इसे ओवरलोड करते कैसे हैं किसी क्लास में, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर आगे हम एक प्रोग्राम देखेंगे। क्लास में रिटर्न टाइप, यानी उस ऑपरेटर पर अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वह किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑपरेटर ये एक कीवर्ड है। सिंबल यानी ऑपरेटर का सिंबल हमें पास करना होगा, सपोज प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन इस तरीके से, और आर्गुमेंट्स उसके अंदर हम कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं। और उसको ओवरलोड करने के लिए यहाँ ये कोडिंग लिखनी होगी, यानी क्लास में एक स्पेशल फंक्शन बनाना होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। तो इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कैसे हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है, इसलिए मैं ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम इसमें बनाई हूँ। इसमें क्लास टेस्ट है, जिसमें एक वेरिएबल लिया गया है काउंट। टेस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में काउंट की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 5 से। ओवरलोडिंग के लिए एक फंक्शन बनाया है मैंने, जिसमें रिटर्न टाइप वाइड है, यानी यह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, जिस पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। तो ये कोई वैल्यू रिटर्न करने नहीं जा रहा है, ऑपरेटर कीवर्ड है, और प्लस प्लस ये हमारा ऑपरेटर का सिंबल है जिसे हम इस क्लास में ओवरलोड करने जा रहे हैं। और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यहाँ जो इसके क्लास का मेंबर है काउंट, उसकी वैल्यू ये 1 से इंक्रीज कर दे रहा है। और डिस्प्ले फंक्शन में काउंट की वैल्यू को हम प्रिंट कराकर देख रहे हैं।
अब यहाँ मेन फंक्शन में देखें तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है टी और प्लस प्लस को यूज कर रहे हैं हम टी ऑब्जेक्ट पर। टी टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है लेकिन उस पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अभी हमने ओवरलोड किया है और साथ ही टी के थ्रू हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ताकि हमें काउंट की वैल्यू पता चले कि वह इंक्रीज हुई या नहीं हुई। काउंट की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 5 रखी थी यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय काउंट की वैल्यू 5 थी। अब हम इसे सेव कर लें, कंपाइल करें एंड रन करें तो यहाँ देख सकते हैं काउंट की वैल्यू 6 हो गई। अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कोई प्रोग्राम नहीं लिखे, सपोज मैं इसको कमेंट एंट्री में डाल दूं और अब देखें कि क्या हमारा ये प्रोग्राम चलता है, क्या प्लस ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ काम कर पाता है, तो नहीं ये नहीं कर सकता है। ये बेसिक डेटा टाइप पर काम कर सकता है लेकिन हमारे बनाए हुए डेटा टाइप पे ये काम नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे ओवरलोड करना होगा तब जाकर ये हमारे डेटा टाइप पे काम करेगा। यह एक सिंपल सा प्रोग्राम था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अब हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर दूं। सेव यस। अब एक और मैंने प्रोग्राम बनाया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, इसमें प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रही हूँ। इसमें एक डिस्टेंस क्लास है जिसके दो मेंबर हैं फिट एंड इंचेस और मैं चाह रही हूँ कि डिस्टेंस क्लास के जो ऑब्जेक्ट हो उनको हम डायरेक्टली आपस में ऐड कर सके। जैसे यहाँ मेन फंक्शन में अगर देखें तो डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ये तीनों डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। मैं चाह रही हूँ दो डिस्टेंस को मैं डायरेक्टली आपस में ऐड कर सकूं, तो इसके लिए हमें प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा क्योंकि ये डायरेक्टली D1 या D2 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं समझता है या डायरेक्टली उसे ऐड नहीं कर सकता है। तो ओवरलोड करते समय यह भी ध्यान देना है कि ऑपरेटर के बेसिक मीनिंग को हम चेंज नहीं करते हैं, मीनिंग वही रहता है जो वो डिफाइन है, यानी प्लस है तो वो एडिशन का ही काम करे लेकिन हमारे बनाए हुए डेटा टाइप पे करे। तो इस क्लास में फिट एंड इंचेस दो मेंबर हैं। डिस्टेंस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें फिट और इंचेस की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर रही है या दिस पॉइंटर के थ्रू हम फिट और इंचेस की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। दिस पॉइंटर क्या करता था, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता था और उसके थ्रू हम डायरेक्टली उसके मेंबर्स को कॉल कर सकते थे। दिस पॉइंटर पर एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपने दिस पॉइंटर का यूज नहीं देखा है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक और डिस्टेंस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू फिट और इंचेस की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है F और I से, यानी जो आर्गुमेंट हम इसमें पास कर रहे हैं। अब ये फंक्शन बनाया मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, तो मैं चाह रही हूँ दो डिस्टेंस को यह ऐड करके और डिस्टेंस टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करे। जैसे दो इंटीजर नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वह इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करता है, इसी तरीके से अगर हम दो डिस्टेंस को ऐड करें तो वह डिस्टेंस टाइप में ही वैल्यू रिटर्न करे, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या लिखा है, डिस्टेंस, यानी इसी क्लास का नेम। ऑपरेटर कीवर्ड है, प्लस सिंबल ऑपरेटर है जिसे ओवरलोड करना है और इसमें एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसे रेफरेंस के थ्रू, कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू पास किया जा रहा है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं डिस्टेंस क्लास का D3 और D3.fit की वैल्यू क्या होगी। जब हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हम दो डिस्टेंस पास करेंगे। जैसे अगर यहाँ मेन में आप देखें तो मेन में हम क्या कर रहे हैं, D1 प्लस D2। D1 क्या है, डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है और D2 भी डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यह प्लस ऑपरेटर कौन इन्वोक करेगा, D1 इन्वोक करेगा और D2 क्या होगा, इसमें एज एन आर्गुमेंट पास होगा। तो D2 की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, सॉरी एड्रेस कहाँ पास होगा, इस D2 में। तो D1 के जो फिट की वैल्यू होगी उसको हम इन्वोक कर रहे हैं दिस पॉइंटर के थ्रू, क्योंकि करंटली ऑब्जेक्ट
यही है जो इस ऑपरेटर को कॉल कर रहा है। तो दिस और पॉइंटर है, इसलिए एरो ऑपरेटर लगाया है, तो पॉइंटर एरो ऑपरेटर के थ्रू मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो D1 के फिट की वैल्यू ऐड होगी किसमें, D2 के फिट में, एंड D1 के इंचेस और D2 के इंचेस को ऐड करके 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर इंचेस 12 से ज्यादा हो तो वो फिट में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरीके से D1 का इंचेस प्लस D2 का इंचेस मॉड 12, यानी दोनों के इंचेस को ऐड करके हम देख लेंगे कि अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है तो वो D3 के इंचेस में स्टोर हो जाएगा, और साथ में D3 को रिटर्न कर रहे हैं। फिर डिस्प्ले फंक्शन बनाया है जो फिट इंचेस की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। मेन में हम देखें तो D1 में फिट की वैल्यू हम क्या पास कर रहे हैं, 8 एंड इंचेस 9। D2 में फिट कितना है, 10 और इंचेस है 5। अब D3 इक्वल टू D1 प्लस D2, और डिस्प्ले फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं D3 के थ्रू, यानी D3 के फिट और इंचेस की वैल्यू ये डिस्प्ले करे, एडिशन के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको यह डिस्प्ले करे। तो इसको हम प्रोग्राम को रन करके देखें, तो यहाँ देख सकते हैं 19 फिट एंड 2 इंचेस वैल्यू आ रही है किसकी, D3 की। D3 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या ये करेक्ट है, 8 प्लस 10 18 एंड 9 प्लस 5 14 इंचेस आ रहे थे, तो 14 इंचेस को इसने 1 फिट एंड 2 इंचेस में कन्वर्ट कर लिया, यानी 19 फिट एंड 2 इंचेस जो सही है। तो इस तरीके से प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। आप चाहें तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन, यानी जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं उनको आप ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसी में कोड ऐड कर रही हूँ। मैंने इसी प्रोग्राम में लेस देन ऑपरेटर के लिए भी कोड ओवरलोड कर दिया है। इसी टाइप से है, ये इंट में वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी या तो हमें वैल्यू 1 रिटर्न करनी है या 0, कंडीशन के ट्रू होने पर 1 रिटर्न करे और कंडीशन के फॉल्स होने पर फॉल्स रिटर्न करे। तो ये ऑपरेटर है हमारा लेस देन, जिसको ओवरलोड कर रहे हैं और उसी तरीके से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक डिस्टेंस को बाई कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू पास कर रहे हैं। यहाँ हम टोटल इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू को, क्योंकि फिट और इंचेस में अलग अलग कंपेयर करना मुश्किल होगा। तो जो फर्स्ट हमारा डिस्टेंस है उसका टोटल नंबर ऑफ इंचेस कितना आया, उसके लिए हमने यहाँ कोडिंग लिखी है, और इसी तरीके से D2 के फिट और इंचेस को टोटल नंबर ऑफ इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब चेक कर रहे हैं कि टोटल इंचेस यानी फर्स्ट डिस्टेंस की वैल्यू अगर सेकेंड डिस्टेंस से कम है तो यह क्या रिटर्न करे, 1, क्योंकि यह लेस देन ऑपरेटर है, और अगर ये ज्यादा हो तो 0 रिटर्न करे। अब इसके लिए मेन में हमें कोडिंग लिखनी होगी। तो सपोज हम लिखे अगर D1 इज लेस देन D2, D1, अब मेन में हम इसको हैंडल कर रहे हैं, ये इसको मैं कमेंट एंट्री में डाल दे रही हूँ, हम डिस्टेंस को ऐड नहीं करने जा रहे हैं। हम डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं कि D1 या D2 किसकी वैल्यू कम है, लेस देन ऑपरेटर है, तो अगर D1 की वैल्यू ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू अगर ये 1 रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या है, D1 इज लेस देन D2, और नहीं तो D2 इज लेस देन D1। अब इसको हम सेव कर ले, तो ये देख सकते हैं D1 is less than D2, ये less है, D1 की वैल्यू देखें तो फिट और इंचेस में D1 की वैल्यू कम है एंड D2 की ज्यादा है, तो ये काम कर रहा है। इसी तरीके से आप चाहें तो किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और उसका प्रोग्राम आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।